हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नमीश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गर्ल पर शॉर्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है किसी टेस्ट के ऊपर नहीं, बल्कि एक आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि दिल्ली के अंदर एक्साइज ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसके हिसाब से सारी के सारे दिल्ली के ठेके, सारे नहीं बोल सकते, कुछ परसेंट ठेके बंद हो कर दिए गए हैं अगले 16 नवंबर की डेट तक। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप सोचते हैं ये जो स्टेप दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया वो एक अच्छे के लिए लिया है या मतलब अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए लिया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का तो फ़ायदा है ही है, साथ में हमारा भी फ़ायदा होगा, वो कैसे होगा आपको आगे बताऊंगा। और अब लेके चलता हूं आपको एक्चुअल सिचुएशन में, जहां पे मैं खुद सरप्राइज हो गया। छोटी सी वो एक कहावत है ना, छोटी सी दुनिया है, कौन कब कहां टकर जाता है आपको पता नहीं लगता। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, आपको लेके चलता हूं एक्चुअली में ग्राउंड सिचुएशन में देखने गया था और वहां क्या हुआ मेरे साथ आप खुद देखिए। हालत देखो, टोटली सरप्राइज है क्योंकि आपको पता है ना, और ये हालत ना के बराबर है। अरे बाप रे, ये कौन मिल गया? ये तो चोरी पकड़ी गई। ये देखो, ये हमारे पीजी साहब है और ये पक्का फोटो लेके जा रहे होंगे। ये आज तो चोरी पकड़ी गई। लिया माल ये लिए, कितने के लिए? प्राइस कहाँ लिखा है? प्राइस वाला फाट रखे हैं। 3000 का एक बोतल है, 1500 का टोटल बड़ा। ये देखो दोस्तों, ये हालत है। वन प्लस वन है। तो ये एक बार शक्ल दिखा दो जरा। हमारे पीबी साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं दारू की बोतल लेते हुए। तो एक ये देखो, ये 1+1 चल रहा है स्क्रीन, नहीं सॉरी, डिस्काउंट अप टू 20-30%। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया ये छोटी सी दुनिया है क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे आप, आपके ऑफिस का कलीग, और मतलब आई वॉज सो सरप्राइज टू सी हिम कि भाई अच्छा तू भी सेम कतार में ही लगा हुआ है, बता देता यार दोनों साथ चलते दारू लेने। खैर एनीवेज, दारू की दुकान खाली हो तो अजीब सा समझ आता, मतलब अजीब समझ ही डाइजेस्ट ही नहीं होती मुझे। दारू की दुकान अच्छी लगती है, बिल्कुल भरी भरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्यों हुआ ये सब, एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से हुई थी, कितने टाइम पहले हो चुकी थी, कब नोटिस आ चुका था, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। होता यह है, एक साल में एक बार हर लिकर वेंड, हर लिकर दारू जो भी मार्केट में सब हो रही है, उसका एक लेबल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसकी फीस दिल्ली गवर्नमेंट लेती है। एक तरीके से समझ लीजिए लाइसेंस की फीस है। लाइसेंस की फीस बोले तो आपको लाइसेंस की जो फीस है वो प्रोसेस उसका ये होता है कि अगर आपने एक बार लाइसेंस ले लिया तो उस लाइसेंस को आप एक साल तक, उस पर्टिकुलर ब्रांड की बॉटल को आप एक साल तक सेल आउट कर सकते हो। जब वो आप एक साल तक सेल आउट करते हो तो अगर नेक्स्ट ईयर दोबारा फाइनेंशियल ईयर में अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी रिवाइज करी है या नहीं करी है उससे मतलब नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो सेम वो लाइसेंस का उनको एक दिल्ली गवर्नमेंट सारी दिल्ली में जितने भी दारू की कंपनियां हैं, जितनी भी बियर हो, विस्की हो, रम हो, जो भी हो, जो कुछ भी दिल्ली में बिकता है, हर एल्कोहल ब्रांड के पास एक नोटिस चला जाता है कि अभी हमने पॉलिसी रिवाइज़ नहीं करी है, लास्ट ईयर जो चल रही थी, जैसे लास्ट ईयर हुआ जब कोविड आया था तो पॉलिसी रिवाइज़ नहीं हो पाई, तो वो एक्सटेंड कर देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपका कुछ जो फीस होती है लेबल की फीस भी नहीं ली जाती क्योंकि वो डिले गवर्नमेंट के एंड से है। अब चीज़ आती है दूसरी, जब लेबल रिवाइज़ किया जाता है तब उस लेबल का एक साल तक का जो फीस है, जो लाइसेंस की फीस है, वो सबमिट करी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट के पास। जब दिल्ली गवर्नमेंट उसको ले लेती है तो वो लेबल एक साल तक वैलिड होता है। तो आप सोचेंगे कि
इसका प्रोसेस कब शुरू होता है? इसका प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है, तकरीबन अगर आप समझ लीजिए मार्च में हर साल फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली गवर्नमेंट एक सबके लेवल रिवाइज करने के लिए एक लाइसेंस इशू करती है, तो इसका प्रोसेस आपका नवंबर एंड दिसंबर या जनवरी में शुरू हो जाता है। तो उसके हिसाब से हर कंपनी अपने अपने पेपर फाइल्स करती है, अपनी अपनी एक्साइज सबमिट करती है, अपना अपना लेवल सबमिट करती है, वो सारी डिटेल उस बॉटल की उस लेवल में लिखी जाती है, क्या MRP है, कितने कंटेंट उस पर अल्कोहल है, कितना उसमें आपका इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, उसे बहुत डिटेलिंग में चार्ट में वो सबमिट करा जाता है। 2021 में ये जो नोटिस दिया है, दिल्ली के अंदर जितने भी शॉप्स हैं वो सारी बंद होने वाली हैं, ये नोटिस आज से 2 महीने पहले चला गया था सभी लिकर वेंट्स को, इन सबको बता दिया गया था 2 महीने 30th September विल बी लास्ट डे टू ओपन लिकर वेंट, उसके बाद आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी, आपको पूरी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी आपका कितना स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक आपका शॉप में पड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन आई जब ये इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 2.5 महीने पहले ही उनको अलर्ट जारी कर दिया था, जब उन्होंने अलर्ट दे दिया तो उससे पहले जब लेवल रिवाइज हुआ 2021 का, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब की बार जो दिल्ली के अंदर जो शॉप्स हैं कोई भी शॉप जो है वो 500 स्क्वायर फीट से कम की नहीं होगी। आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत बहुत छोटे छोटे ठेके हैं जहाँ पे मतलब आपको चॉइस भी नहीं दी जाती, इतना रश होता है और बंदा बोलता है कि मेरे को ये ब्रांड चाहिए, वो कहता नहीं है अवेलेबल, तो उसको मजबूरी कुछ और उठाना पड़ता है, चॉइस आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। दिल्ली में ये हाल होता है कि आपके पास ये है और ये दी जाएगी, ये मैं अभी गवर्नमेंट शॉप्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद प्राइवेट शॉप्स की बात करते हैं, तो बहुत लिमिटेड जगहें हैं जहाँ पे वसंत कुंज हो गया, डीलक्स स्टार सिटी मॉल हो गया, या आपका मयूर विहार में जो स्टार सिटी मॉल है जहाँ मैंने आपकी जहाँ पे आपको ये दिखाया अभी वीडियो, ये जगह होगी। बहुत ऐसी सिलेक्टेड प्लेस हैं दिल्ली के अंदर जहाँ प्रॉपर बड़े बड़े आउटलेट्स मौजूद हैं, जहाँ कस्टमर को ऑप्शन मिलता है कि मैं तसल्ली से अपना ब्रांड पिक कर सकूँ या कुछ और भी साथ में ले सकूँ। तो ये सब स्टोरी का जो पूरा क्योस जो बना है इसका जो क्यों, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए लिया कि दिल्ली का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो फ्यूल से और अल्कोहल से आता है, तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि जितनी भी शॉप्स हैं, एक तो कस्टमर को सर्विस बेटर मिलेगी पहली चीज़, दूसरा उनको ये लगता है कि दिल्ली से जो मैक्सिमम लोग ट्रैवल कर जाते हैं गुड़गांव साइड में लेकर लेने के लिए या ज़्यादा स्टॉक बाय करते हैं, क्योंकि गुड़गांव में L10 शॉप्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और वहाँ पे प्राइस भी कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। लोग सोचते हैं कि दारू सस्ती है तो ख़राब होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, सारा गेम है एक्साइज का और एक्साइज की पॉलिसी का। कई लोग टैक्सेस कम लगाते हैं इसलिए गुड़गांव में आपको और चंडीगढ़ जैसे शहरों के अंदर आपको दारू जो है वो सस्ती मिल जाती है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो बाकी के प्राइसेस हैं वो हैं काफ़ी हाई, तो इसलिए आपको प्राइसेस यहाँ पे हायर पे करना पड़ता है। बट जब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब तो मतलब कभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा उधर डाइवर्ट होते हैं, रेवेन्यू और बढ़ाना चाहिए, तो इन्होंने डिसाइड करा जो पॉलिसी है, आज से 2.5 महीने पहले सारे लीकर वेंट्स को बता दिया गया था कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद आपकी शॉप बंद कर दी जाएगी। इस बार जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लेवल रिवाइज करने से पहले बता दिया गया इस चीज़ को कि हम सब इस बार दिल्ली में ये होगा। दूसरी चीज़, इन्होंने जो लेकर जो भी वेंट जो भी अब नए खुलेंगे उन सब लेकर वेंट की जो है वो बिडिंग हुई थी, जो बिडिंग करोड़ों के अंदर गई है, अब वो जो बिडिंग हुई है तो बिडिंग के हिसाब से दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत जो बड़ी मछली है वो दिल्ली में रहने वाली है, आप समझ लो जो बड़ा प्लेयर है जो बड़ी कंपनी है वही रह पाएगी। दूसरी चीज़, जो लोकल दूसरे ब्रांड्स हैं, दिल्ली एक्साइज कमिश्नर ने क्लियर कर दिया, आपने अगर मुझे महीने की सेल इतनी या साल का जो टर्नओवर है अगर इतना नहीं दिया तो आपका ब्रांड जो है वो दिल्ली से डीलिस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब कुछ ये भी हो सकता है, आपको बहुत से ऐसे ब्रांड दिखेंगे जो ब्रांड दिल्ली में अब अवेलेबल नहीं होने वाले, अगर वो अपना जो टारगेट जो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट एक्साइज में जो सबमिट करा कि हम हाइपोथेटिकली अगर लेके चलो 100 करोड़ की सेल देंगे एक साल के अंदर, अगर वो नहीं है उस पर्टिकुलर ब्रांड की तो वो ब्रांड उनको वेव्ड ऑफ करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट को पेनल्टी भी लगाएगी। तो बहुत सोच समझ के ब्रांड्स ने इन्होंने अप्रोच करा है,
बॉस सोच समझ के इस बार लेबल सबमिट हुए हैं। टोटल दिल्ली गवर्नमेंट ने 260 शॉप्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ये सारी प्राइवेट शॉप्स हैं। जी हाँ, 260 एग्जैक्टली नंबर है दोस्तों, और 850 वो नंबर है जो कि पूरी दिल्ली के अंदर 850 गवर्नमेंट प्लस आपका प्राइवेट, ये दोनों मिला के 850 शॉप्स दिल्ली में खुलेंगी। तो अभी आप ये समझ लो, ये जो तकरीबन 260 दुकानें जो बंद हो गई है और जो क्योस क्रिएट हुआ है गवर्नमेंट की शॉप्स के ऊपर, पहली चीज़ एक तो क्लियर है कि दिल्ली गवर्नमेंट इसमें इस सवा महीने के अंदर खूब दबा के पैसा कमाने वाली है, नो क्वेश्चन ऑफ डाउट, क्योंकि सारा का सारा जो लेकर का जो ट्रैफिक है, जो लेकर का जो रश है, जो लोग डेली, जो आप हमारी भाषा में डेली पैसेंजर जिसको बोलते हो, तो वो तो मतलब जिसने लेना है वो सरकारी से ही लेगा। 16 या 17 नवंबर तक, उसके बाद ये सारे इवेंट्स प्राइवेट जितने थे वो खुलेंगे। मिनिमम जो आपको बताया मैंने 500 स्क्वायर फीट में शॉप रहेगी, इसका मतलब आपको प्रॉपर एक अच्छी शॉप का फील आने वाला है जिसके अंदर आप जाओगे इजली शॉप करके, अपनी अपना ब्रांड चूज करके बाहर आओगे, फिर उसको पे ऑफ करोगे। तो एक बेनिफिट तो मुझे ये लगता है। दूसरा मेरे को ये लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर, मतलब आने वाले टाइम के अंदर जो एक्सपीरियंस है दिल्ली में निकर परचेज बाइंग का, लोग इजली कहीं और गुड़गांव या चंडीगढ़ से नहीं प्रक्योर करेंगे अपनी बॉटल्स को, जब उनको नज़र आएगा कि हाँ अब दिल्ली में भी प्राइस डाउन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस बार जो शोरूम्स खुलेंगे दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी है, एक स्टैंडर्ड MRP डिसाइड होगा, एक स्टैंडर्ड MRP जो दिल्ली एक्साइज कमिश्नर के बेंचमार्क से निकलेगा कि ये मिनिमम MRP है। इसके अलावा लिकर का जो वेंट है, जो उसके मालिक हैं, जो वेंट जो लिकर शॉप से चलाएंगे, उनके हाथ में है कि उनको इस एरिया में, लेट सपोज किसी एरिया में ब्लैक डॉग ज़्यादा बिकती है साउथ दिल्ली के अंदर, इम्पोर्टेड विस्कीज की ज़्यादा डिमांड है, तो हो सकता है वहाँ पे भी कोई स्कीम चला दें वो कि आपका एक पेटी लो और आपका ये XYZ अमाउंट पे करो और आप पेटी ले जाओ। तो ये एक ऑप्शन भी दिया है कि रिटेल के अंदर जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, MRP से थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि जो आपकी जो शॉप्स हैं वो मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की रहने वाली हैं। तो पूरी कैपिटल, एंटायर कैपिटल को, जी हाँ पूरी दिल्ली को 32 जोन्स के अंदर डिवाइड करा गया है फॉर 850 शॉप्स। 32 जो जोन है, 32 जोन्स को सब कैटेगराइज करा गया है 27 वार्ड्स के अंदर, फिर 27 वार्ड्स को कैटेगराइज करा गया है वार्ड्स के अंदर। एक वार्ड के अंदर 8-9 दुकानें फॉल करेंगी। अब ये प्रोसाइसली अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो बहुत हाई भी हो रही है, बट एट दिस मोमेंट जो अभी जो चल रही है वो 850 दुकानें खुलनी हैं, जिसकी इन्होंने बिडिंग आज से 3 महीने पहले कर चुकी है जो दिल्ली गवर्नमेंट। अब बात करते हैं एक एज की, एक नंबर की, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि पहले जो मिनिमम एज है वो है 25, अब उन्होंने वो कर दिया 21, एज भी कम कर दी है। दूसरा बात करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी लॉकडाउन के अंदर कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे बैंगलोर साइड में होता है आपका ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ अल्कोहल, तो सुनने में ये भी आ रहा है अभी कि कोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया है, कोर्ट ने अलाउड नहीं करा है। अगर ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है कि आप ऑनलाइन विस्की डिलीवर कर सकते हैं, तो इसमें और भी बड़े बड़े प्लेयर्स कूद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दिस इज आवर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।